आज की हमारी रेसिपी है घेवर। तो घेवर बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए हमने आधी कटोरी देसी घी लिया है, और अब हम इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं और इसे हमें इस तरह से फेंट लेना है अच्छी तरह से। घी का कलर हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है, सफेद हो गया है बिल्कुल। अब हम बची हुई आइस क्यूब को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। हमने एक कटोरी मैदा लिया है, थोड़ा थोड़ा हम इसे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फेंटेंगे और इसे फेंटने के लिए हम आधा कप दूध ऐड करेंगे। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं और इस तरह से विस्क से भी कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए घेवर बनाने के लिए। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। इस कटोरी से दो कटोरी चीनी ऐड करेंगे। इसी कटोरी से दो कटोरी पानी ऐड करेंगे। दो इलायची डाल देते हैं। चाशनी हमको एक तार की चाहिए, एक तार की चाशनी बनानी है हमें। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। हमने घेवर बनाने के लिए इस तरह का भगोना लिया है जो गहरा है। आप घेवर जब भी बनाएं तो इसी तरह से बर्तन लें। अब हम धीरे धीरे बैटर को डाल देंगे। और इस तरह से हम बीच में जगह बना लेंगे।
अच्छी तरह से हम इसे सेक लेंगे। घेवर हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक बाहर निकालेंगे। हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से इसे थोड़ी देर रोक देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। अब हम चाशनी डालेंगे घेवर के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी। चाशनी हम ज्यादा गर्म नहीं डालेंगे। अब हम घेवर के ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे इस तरह से। थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे इस तरह से। और ये घेवर हमारी बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। घेवर हमारी तैयार है और आप इस मिठाई को ज़रूर एक बार ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।